नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रजत सूद है और आज मैं आप सभी के आगे एक कविता पेश करूंगा जो कि चाइल्ड मोलेस्टेशन पर है। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स अ चाइल्ड इज मोलेस्टेड इन एवरी 6 मिनट्स। तो एक ऐसे ही 13 साल के लड़के की कहानी आपके सामने पेश करता हूँ। इस कविता का नाम है कि चाचा ये कौन सा खेल था। सुनो जरा ये भी कुछ वक्त पहले की कहानी, जब टकराई इंसान की भूख से मासूमियत और नादानी। कारोबार के लिए माँ पापा का शहर जाना हुआ, इसलिए मेरी हिफाजत के लिए चाचा जी का घर आना हुआ। शादीशुदा पढ़े लिखे प्यारे चाचा हमारे घर आए, बाजार से बड़े प्यार से खिलौने बाहों में भर लाए। पापा ने गाड़ी शुरू की, जाने की तैयारी की, माँ ने जाते जाते मेरे माथे पर पारी की। एक पल में रसोई चूल्हे की और मेरी आदतों की जानकारी दी, भरोसा कर चाचा जी पर उन्हें मेरी जिम्मेदारी दी। गाड़ी आगे की ओर बढ़ने लगी, आंखें माँ से फासला पड़ने लगी। तब मैं थोड़ा सा दुखी हुआ, पर चाचा मेरे गले लगे। उस वक्त मेरी नादान नजरों को चाचा और भी भले लगे। फिर मैं अपनी मोटर कार चलाता रहा, कभी घोड़े को दौड़ाता रहा, कभी लट्टू को घुमाता रहा, तो कभी हवाई जहाज उड़ाता रहा। यूं सारा दिन मैं खेल कूद में मस्त रहा, चाचा भी अपने काम काज में व्यस्त रहे। यूं खेलते खिलौनों से दोपहर से शाम हुई, मौसम तूफाना हुआ, सड़कें सुनसान हुई। फिर चाचा ने लाडले लगाई पुकार, कमरे में बुलाया रात में, दरवाजा बंद कर ऊपर से एक जाम लेकर हाथ में। कुछ अजीब से ख्यालात में, बहके हुए से जज्बात में, कहते तुझे एक नया खेल खिलाना है, बैठ जरा तू साथ में। शुरुआत में मुझे निहारते हुए करीब मेरे आने लगे, मेरी खुशबू को जैसे सूंघ कर लंबी सांसें भर जाने लगे। मेरा एक हाथ रख अपनी छाती पर, खुद ही सहलाने लगे। मेरे बदन की खुशबू को जैसे रोज सूंघ जाने लगे। मैं उनसे दूर खिसकने लगा, वो मेरी ओर से सकने लगे और जबरन मेरा दूसरा हाथ अपनी झांगों के बीच रखने लगे। मैं फिर धीमे धीमी आवाजों में वो मुझे करीब पुकारने लगे, बगैर इजाजत के मुझे लाड पुचकारने लगे। खुद नंगे होकर मेरे सामने मेरे भी कपड़े उतारने लगे और मैंने बना किया तो मुझे मारने लगे। लेकिन मैंने फिर भी इनकार किया, लाख बार किया, कमजोर बाजुओं से भी दमदार किया, चीख ठुकरार किया, धक्का मार किया, लड़कर विरोध लगातार किया। जो ना थी मौजूद उस माँ को भी पुकार किया। मैं उन छूने के तरीकों से परेशान हुआ, मैं वो दरिंदगी देख हैरान हुआ, मैं अंदर से डर गया, मैं आंखों से भर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उतर गया। मैं आंखों से भर गया, दिल अंदर से डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं बिस्तर से उतर गया। कभी भाग के इधर गया, कभी भाग के उधर गया, मगर ऊपर से बंद दरवाजे के सामने मैं बिखर गया। फिर चाचा हंसकर मेरी ओर बढ़ते रहे, अपने जालिम हाथों से मुझको पकड़ते रहे, मेरे नाजुक बाजुओं को जकड़ते रहे, उल्टा गिरा कर मुझे बिस्तर पर, मेरे शरीर पर चढ़ते रहे। मेरे नाजुक जिस्म पे अपनी जालिम उंगलियां मलने लगे, मेरे छांगों को मसलने लगे, मेरे बचपने को कुचलने लगे, मेरे बदन को नोचने लगे, खाल को उखाड़ने लगे, मेरे रेशम से बदन में अपनी दरिंदगी को गाड़ने लगे। मैं चीख उठा, चिल्ला उठा, मैं दर्द से बिलबिला उठा, मैं जोर से रोने लगा, मैं खुद को था खोने लगा, लगा जैसे मैं अपनी ही रूह से दूर हूं होने लगा। खून में तर कर शरीर मेरा सुन हुआ, बेहद दर्द को सहते हुए भी मैं गुमसुम हुआ। शुरू में था चीखता रहा, फिर हार मान कर भी बिकता रहा, मगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। कुछ वक्त तक वो दरिंदा मुझे ऐसे ही मसलता रहा।
फिर थक कर उसने मुझे जमी के एक कोने में फेंक दिया, सर्द में दिया कंबल नहीं, अपनी हवस की आग का सेक दिया। मैं रात भर सिकुड़ कर अपनी बाजुएं नोचता रहा, हर पल उस खौफनाक हादसे के बारे में सोचता रहा। और इस दरिंदगी को देख एक मासूम का दिल ये कहता है कि एतबार ना करना घर परिवार खून के रिश्तों पर, क्योंकि ये दरिंदा आप ही के घर में रहता है। और इस घुटन को कोई नादान दिल नहीं सहता है, तभी आज वो 13 साल का लड़का इस दुनिया में नहीं रहता है। क्योंकि कब तक वो सिकुड़ सहम के जुल्म ऐसे झेलता, कब तक वो बगैर मर्जी के दरिंदों के साथ खेलता, कब तक वो नाजुक खाल को दरिंदों के हाथों छीलता। जवाब दे समाज के ये कौन सा और कैसा खेल था। जवाब ये है कि ये जिस्म की भूख थी, नहीं कोई खेल था। ये एक आदमी की हवस का बच्चे की मासूमियत से मेल था, एक माँ के भरोसे का दगाबाजी से मेल था, एक खूबसूरत जिंदगी का कब्रिस्तान से मेल था। तू बता समाज के कैसा घिनौना खेल था, तू बता ए चाचा कैसा खेल था, ए चाचा ये कौन सा खेल था, ए चाचा कैसा खेल था।